जय हिंद जय भारत। एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ऑल इंडिया से इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और 2 फरवरी 2024 को नोटिफिकेशन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इन वैकेंसीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, तो सभी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से इन वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, ये जो पोस्ट है रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन ग्रुप सी के अंतर्गत पोस्ट है। यहाँ पर सभी को रिजर्वेशन दिया जाएगा, एससी एसटी ओबीसी और एक्सेसमैन सभी इसमें शामिल है। नॉन टीचिंग पोस्ट हैं और परमानेंट पोस्ट रहेंगे। ऑनलाइन के माध्यम से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं, www.AELDUNIB इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का शॉर्ट फॉर्म है .ac.in के माध्यम से अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन के माध्यम से 1 मार्च से लेके 1 अप्रैल 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। फीस यहाँ पर कुछ ज़्यादा है, 1600 रुपये, 800 रुपये और 100 रुपये रखी गई है अलग अलग कैटेगरी में। अभी यहाँ पे जो पोस्ट आपको मिलेंगे ग्रुप सी के अंतर्गत, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सभी पोस्ट ग्रुप सी के हैं, लेकिन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ग्रुप बी के पोस्ट मिलेंगे, ग्रुप ए के पोस्ट ही मिलेंगे। तो आपके अंदर जो एबिलिटी है उसके हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बेसिकली एक वैकेंसीज़ का जिक्र करूँगा। एमटीएस की पोस्ट यहाँ पे है, तो एमटीएस में यहाँ पर सबसे पहली बात है कि एक तो यहाँ पर मैथ्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैथ्स के कोई एग्ज़ाम कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा रीजनिंग से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं मिलेंगे। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है वो है कि यहाँ पर एमटीएस के लिए 10th पास या फिर ITI दोनों में से आपके पास एक होना चाहिए दोस्तों, या तो ITI होना चाहिए या 10th पास, तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करें। यानी सिंपली जो 10th पास हैं वो भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से और भी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आपको मिलेगी, एनिमल अटेंडेंट की ग्रुप सी की पोस्ट है, असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन की भी पोस्ट आपको मिलेगी, यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर ड्राफ्ट्समैन की है, ड्राइवर की पोस्ट आपको मिलेगी, फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट है। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी पोस्ट आपको मिलेंगे, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट मिलेगी, लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की 30 पोस्ट है। उसके अलावा यहाँ पे एमटीएस की सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, 141 है। और भी यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग कैटेगरी में है, वर्क एजेंट है, वायरमैन की पोस्ट है, लेबोरेटरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है, ग्राउंडमैन की, वाटरमैन की, ड्राइवर ड्राफ्ट्समैन वगैरह वगैरह, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी आपको यहाँ पे पोस्ट मिलने वाली है। तो यहाँ पर इसके बारे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है कि क्या क्या इसका डिटेल्स रहेगा। अभी यहाँ पे जैसे आप इसके नोटिफिकेशन में जाएंगे, एनिमल अटेंडेंट के लिए यहाँ पर बताया गया है कि 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। एक्सेसमैन वगैरह उनको छूट दी जाएगी। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल हैं, एक्सेसमैन को जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है कि जितनी आपकी एज है, टोटल जो एज है आपकी, उसको आपको माइनस करना होगा जितनी आपने सर्विस की है, और उसके बाद जनरल के लिए 3 साल और माइनस करना होगा। तो उस तरह से जनरल की जो एज है 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह आप और जो वैकेंसीज है उनमें भी आपका एज कैलकुलेट कर सकते हैं। ड्राइवर के लिए नॉर्मली एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अभी यहाँ पर और भी आपको पोस्ट मिलेंगे, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए 50% मार्क के साथ, और टाइपिंग स्पीड आपकी जो यहाँ पर बताई गई है उसके अनुसार होनी चाहिए। और बाकी यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा बताया गया है, लेकिन ये डिजायरेबल है, इसका यदि है तो ठीक है, नहीं है तो कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। MTS की जो अलग अलग टाइप की पोस्ट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मात्र बताया गया है कि यदि मैं किसी एक पोस्ट को ले लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्लम्बर के लिए यहाँ पर 10th पास होना चाहिए या फिर ITI होना चाहिए। उस तरह इलेक्ट्रीशियन के लिए भी यहाँ पे 10th पास होना चाहिए या फिर ITI होना चाहिए। तो इसी तरह से आप यहाँ पर और भी चेक कर सकते हैं। कुक के लिए यहाँ पर किचन अटेंडेंट की है, हेल्प डेस्क क्लर्क की है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की है। अभी इसका जो पेपर आता है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरह से इसका पेपर आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे देख रहे होंगे ये एक 2022 का सिलेबस है इसका, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ग्रुप सी नॉन टीचिंग सिलेबस का है यहाँ पे। और तो यहाँ पे जो सबसे
इम्पोर्टेंट बातें हैं कि पेपर में जो पूछा जाता है जनरल नॉलेज से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड और साथ में हिंदी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि मैथ्स वगैरह नहीं आता है ना रीजनिंग आता है इसमें। और जो पैटर्न एग्ज़ाम का है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि 100 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का ही क्वेश्चन होगा, गलत आंसर होने पर 0.50 मार्क आपका काट दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज में, जो डीप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज अबाउट द जॉब के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल साधारण से हैं, जो आपकी नौकरी है उससे रिलेटेड। एनालिटिकल एबिलिटी अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्सिटी सिस्टम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट 2005, ये जो मैंने पढ़ा है यहाँ से यहाँ तक एनालिटिकल एबिलिटी से रिलेटेड एक्ट 2005 तक, इसको आप गूगल में एक बार सर्च मारेंगे तो इससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारा जो है मटेरियल आ जाएगा, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे स्ट्रेस एंड ऑर्डिनेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन, ऑफिस प्रोसीजर क्या प्रोसीजर रहेगा, फिलिंग नोटिंग ड्राफ्टिंग बनाना, बेसिक GOI से रिलेटेड जो रिलेशन है उसके, कंप्यूटर लिटरेसी रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे, 80 मार्क आपको दिए जाएंगे, 2 घंटे का यहाँ पे पेपर होगा, ये सभी होगा 2 घंटे का। नेक्स्ट है कि लैंग्वेज प्रोफेंसी इन इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड या फिर और सर्विसेज, रिलेवेंट सब्जेक्ट जैसे आपकी जो जॉब है और सर्विसेज से रिलेटेड, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि मैं जूनियर क्लेरिकल की बात करूं तो यहां पर असिस्टेंट क्या काम रहने वाला है, इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से आप जान सकते हैं पूरी डिटेल्स। और भी आप इन वैकेंसीज के अलावा भी ग्रुप बी और ग्रुप ए की वैकेंसीज के लिए देखना चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको और भी जो अपग्रेड की पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये थी अपडेट। जय हिंद।